लॉकडाउन के दौरान पलायन का सिलसिला लगातार जारी है, जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही कारण है कि भोजन न मिलने पर दर्जनों की संख्या में नेपाली मजदूर अपने देश जाने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं, जबकि नेपाल सरकार अपने देश के नागरिकों को कोरोना वायरस संकट के समय में लेने से मना कर रही है। वहीं पुलिस ने चोरी से नेपाल की तरफ जा रहे नेपाली युवकों को पकड़ लिया और राशन देकर उन्हें काशीपुर वापस भेज दिया है। सरकार से यही मांग करते हैं कि जो जितने भी हमारे नेपाल के नागरिक है, जो हमारे हिंदुस्तान सरकार के हिंदुस्तान में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को जल्द से जल्द अपने देश वापस बुलाया जाए, जिसकी वजह से क्या तो हम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके कि हम लोग अपने घर में तो अभी नहीं जा सकते, लेकिन हम कुछ अपने परिवार के आसपास तो रह सकते हैं। यही लोग नेपाल से और यहाँ पर काशीपुर वैशाली कॉलोनी पर काम करते थे। हम लोग ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। वहाँ पर हम ये नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग ले रहे थे और वहाँ पर हम लोगों का यही था कारण कि एक कारण तो वही है कि हमारा जो वहाँ पर लीडर था वो लीडर भाग गया और वो संपर्क भी नहीं है अभी हमारा से, और एक कारण हो गया। और एक कारण दूसरा कारण क्या है तो वहाँ पर जो पुलिस वाला पहले राशन दे रहा था, तो एक बार पुलिस वहाँ पर आया था और नाम और टिपट किया, नाम और टिपट करके बोल रहा था कि चलो आप लोग को किसी कॉलेज में जाकर रख देंगे, और वहाँ पर हम लोग नहीं माने। हम लोग बोले कि हम लोग अपने रूम में ही सेफ रहेंगे और यहाँ पर एक फैमिली की तरह रहते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोग नहीं गया। तो पुलिस वाला ने भी वो राशन भी बंद करवा दिया। दूसरा कारण ये, हम लोग काशीपुर से, वो काशीपुर का खड़गपुर में रहते हैं और उससे हम उस रास्ते से रेल के पटरी के मार्फत से यहाँ तक आया, और उस क्या तो यूपी और उत्तराखंड का जो बॉर्डर पड़ता है उस बॉर्डर में हम लोग को रात को रोक दिया था, और वहाँ से रात भर वही रहा। और फिर वहाँ से बोला कि पुलिस सरोर ने बोला कि आप लोग को खाने पीने का व्यवस्था हो जाएगा, आप लोग जाओ उधर। और हम लोग फिर से उधर जा रहे थे और फिर से इस रास्ते दूसरा रास्ते से इधर चला आया। वहीं पुलिस ने भोजन न मिलने पर अपने देश जा रहे नेपाली युवकों पर कार्रवाई करने की वजह अपनी इंसानियत का परिचय दिया। पुलिस ने नेपाली युवकों को राशन उपलब्ध करवाकर सुल्तानपुर पट्टी से काशीपुर उनके आवास पर छोड़ दिया। वहीं एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि काशीपुर में अलग अलग जगह पर नेपाली युवक रह रहे हैं। हमारे यहाँ आईटीआई थाना क्षेत्र में काफी संख्या में नेपाली युवक काम कर रहे थे, जनरली मार्केटिंग का काम कर रहे थे। इनकी संख्या अलग अलग थी, एक जगह 21 के ग्रुप में थे, एक जगह 14 लोग थे, एक जगह 6 लोग थे। इनको शुरू से हमने राशन वगैरह दिया था। अभी इसमें समाचार मिला है कि आज फिर ये चले गए थे राशन ख़त्म होने की अवस्था में। सुल्तानपुर पट्टी जो हमारे बाजपुर थाना क्षेत्र का एरिया है, उन्होंने उनको राशन दे करके वापस भेजा है। फिलहाल हमने इनकी सूची हमारे कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को उपलब्ध करा दी है, और संभवतः एक आध हफ्ते में शायद ये अपने देश में जा सकते हैं, इसके लिए हमने इनकी सूची भेज दी है। बाकी अभी इनिशियली हमने इनको राशन पुलिस की तरफ से जो हम लोगों को उपलब्ध करा दे हैं दानदाता और जो ऐसी सर्विसेज कर रहे हैं पब्लिक के लोग, उनके माध्यम से इनको उपलब्ध करा दिया है राशन। बाकी इसकी सूचना हम जिला प्रशासन को भी भेज देंगे, तो लोकल लेवल पर जो भी राहत के अनुसार इनको राशन वगैरह उपलब्ध कराया जाता है वो करवाएंगे इसमें।